नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल हम लेते हैं पूरी दिल्ली से कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हमारी टीम पहुंची करोल बाग विधानसभा में, जहां हमने वहां के क्षेत्रवासियों से पूछा कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, क्या विधायक आए आपके बीच, किया आपके क्षेत्र का विकास या हो गए फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट करोल बाग विधानसभा से। मेरा नाम चंद्रपाल है जी। चंद्रपाल जी कहाँ रहते हो? गौशाला वारादरी में रहते हैं जी। चुनाव आता है, वोट करते हो? ये करते हैं जी वोट। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? जो दिल्ली के लिए काम करे वो ऐसा होना चाहिए। 5 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, किया दिल्ली के लिए काम? हाँ जी कराया जी, काम भी करा उन्होंने। क्या काम किया है? हाँ उन्होंने अस्पताल वगैरह में काम करवाए हैं, और तुम्हारा ये जैसे तीर्थ यात्रा पे जो गाड़ियाँ लगा रखी हैं वो बुजुर्ग लोगों के लिए, वो जाते हैं उनको ले जाते भी हैं। आपके इलाके से विधायक कौन है? हमारे इलाके विशेष रवि जी। कभी आते हैं इलाके में? हाँ जी आते हैं जी, घूमने के लिए आते हैं। घूमने आते हैं, कुछ काम भी करवाते हैं? काम भी करवाते हैं, जब काम हो रहा होता है वो देखते भी हैं आके। काम क्या करवाए 5 सालों में? पाइप पानी की लाइनें डलवाई हैं, सीवर की लाइन डलवाई है उन्होंने। संतुष्ट हो कामों से? हाँ जी बिल्कुल, प्यार मतलब ये नहीं कोई झगड़ा हो कि कोई कुछ कह रहा हो, आराम से काम। कितने नंबर दोगे विधायक को 10 में से? 10 में से 10 ही आएंगे जी। आपका नाम क्या है? कालीचरण। कालीचरण जी कहाँ रहते हैं? गौशाला में ही। यहीं भाई चुनाव आता है वोट करते हैं? बिल्कुल। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री चाहे कोई बने, हम तो विशेष रवि को जिताएंगे जी। विशेष रवि का यहाँ पर काम हुआ है बहुत बढ़िया। क्या काम किया विशेष रवि ने? सब कुछ कर रखा है, घूमते फिरते हैं सब कुछ, सब घूमते फिरते हैं, कुछ काम भी करवाया क्षेत्र में, बिजली पानी सब कुछ करवा रखा, बिजली का काम भी करवाया, पानी का भी करा। केजरीवाल ने भी, मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये हॉस्पिटल स्कूल वकूल वगैरह सब में। इलाके की समस्या होती है बिजली सड़क सीवर पानी सब कुछ ठीक है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। कितने नंबर दोगे विधायक को 10 में से? पूरे 100 नंबर। 10 में 100 कैसे आ जाएंगे? 10 गुना फालतू। मुकेश जी। मुकेश जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ जी, इस इलाके में ही। चुनाव आता है वोट करते हो? जी करते हैं जी। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जैसा। क्यों अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल जी ने मेरे मीटर कम से कम 2 दिन में मैंने कंप्लेंट करी है, फटाफट मीटर लग गया मेरा। पहले मीटर नहीं था? मीटर मेरा खराब हो रहा था कांग्रेस के टाइम में, वो ठीक नहीं हुआ जब तक, अब 2 दिन में ठीक हो गया मेरा। ठीक हो गया मीटर? मीटर लग गया जी। मीटर लग गया, बिल आता है? अब बिल आता है जी। बहुत सारा सही आ रहा है जी, बिल कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है? पहले से कांग्रेस के टाइम से कम ही आ रहा है जी। अच्छा आपके इलाके ठीक है, आपके इलाके से विधायक कौन है? विशेष रवि। आते हैं इलाके में? आते हैं जी। आते हैं, कुछ काम भी करवाते हैं? फ़ोन करते हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फ़ोन करना पड़ता है काम करवाने के लिए? बिल्कुल फटाफट आते हैं वो, कोई कंप्लेंट हो कोई फटाफट आते हैं वो। संतुष्ट काम होते? संतुष्ट है जी। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10। हाँ जी भाजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल जी कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ गौशाला बारादरी में। चुनाव आता है वोट भी करते हो? बिल्कुल वोट करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? ऐसा है जो देश के लिए काम कर रहा है और अपने क्षेत्र का काम कर रहा है वो बंदा सबसे बढ़िया है। देश के लिए कौन काम कर रहा है, क्षेत्र के लिए कौन काम कर रहा है? जो केजरीवाल दिल्ली का काम कर रहा है वो अपनी जगह सही है, और देश का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा कौन? दिल्ली का तो केजरीवाल में यही होना चाहिए, केजरीवाल सीएम तो। अच्छा और आपके इलाके से विधायक ने क्या काम किया? नहीं वो भी काम सही कर रहा है, विशेष रवि। क्या काम किया? जब भी सीवर की लाइन का कोई काम हो फौरन अभी फोन करो, अभी आ जाएंगे। अभी आ जाएंगे जी हाँ, कि चलो जी हमारे साथ कैसा काम रुक रहा है, जब उनको दिखाते हैं सीवर देखो कैसे हो रहे हैं जी, काम हो जाता है, हो जाता है। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 ही दे देंगे। हाँ जी भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम विजय कुमार है जी। विजय कुमार जी कहाँ रहते हो? जी गौशाला बारादरी में रहते हैं जी। चुनाव आता है वोट करते हो? वोट करते हैं जी। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे केजरीवाल जी से होना चाहिए। क्यों केजरीवाल? काम बढ़िया किया है इन्होंने हर चीज में, क्षेत्र हर जगह काम बढ़िया किया है इन्होंने। से बात करूं केजरीवाल, केजरीवाल क्यों केजरीवाल, क्या काम कर दिया ऐसा? काम बढ़िया करे जी, मीटर फ्री, बिजली का बिल फ्री कर दिया हमारी जनता के लिए, पानी की समस्या थी पूरी, सीवर की समस्या जहाँ तो दूर कर दिया इन्होंने जी। पार्टी पर करो? नहीं जी हम पार्टी पर नहीं जी, हम तो किसी और की पार्टी, लेकिन जो हमारे काम बढ़िया करता है उसी करते सपोर्ट करते हैं जी। आपके इलाके से विधायक कौन है? विशेष रवि जी हमारे। अभी आते हैं इलाके में? जी अभी आए थे, बीच में 3-4 दिन पहले भी आए, नवरात्र में भी आए थे हमारे यहाँ आए हैं। कुछ काम भी करवाया क्षेत्र में? बहुत बढ़िया करवाया जी, हर सीवर लाइन हर चीज़ की व्यवस्था बहुत बढ़िया की इन्होंने। अच्छा आप क्षेत्र की समस्या होती है बिजली सड़क सीवर पानी स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा सब ठीक है? सब ठीक है यहाँ पर जी, हाँ बिल्कुल राइट। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10। आपका? हमारा नाम रामचल है। कहाँ रहते हैं? गौशाला बारादरी। चुनाव आता है वोट करते हैं? हाँ पूरा पूरा।
अच्छा मीठा पान बना रहे हैं। अच्छा इस बार दिल्ली का मीठा पान कौन खाएगा, केजरीवाल कांग्रेस है बीजेपी? केजरीवाल खाएंगे। क्यों केजरीवाल खाएगा? काम अच्छा किया है। क्या अच्छा काम किया है? सब कुछ ठीक है। आपके इलाके का विधायक कौन बनेगा इस बार? विशेष रवि। वो तो पिछली बार बन लिए, अब कौन बनेगा? अब देखो लेडीज होगा तो और कोई होगा, बाकी तो वही ठीक है। काम किया कि विशेष रवि ने? सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। कितने नंबर दोगे 10 में से? 7 नंबर। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? गोविंद। कहाँ रहते हो? गौशाला बारादरी। चुनाव आता है वोट करते हो? जी हाँ। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? होना तो केजरीवाल जैसा ही चाहिए। क्यों केजरीवाल? क्यों? क्योंकि बहुत सपोर्ट तो करता है। क्या सपोर्ट किया 5 सालों में? हमको पता है ना क्या सपोर्ट करा, बाकी तो किसी ने क्या करा क्या नहीं करा। आपके इलाके से विधायक कौन है? वही विशेष, वही क्या नाम है उसका, विशेष रवि है। काम करा क्षेत्र में कभी? सर आपके सामने ही है पाइपलाइन के, आप ऊपर ही खड़े हो। नहीं पाइपलाइन तो डलवा दी, इलाके में सड़क सीवर बिजली पानी सब ठीक है? कुछ है हाँ, जो है सब कुछ आपके सामने ही है, बिल भी काफ़ी माँ। बस कितने नंबर दोगे विधायक को 10 में से? 10 में से तो मैं, मेरा बस चले तो मैं तो 20 दे दूँ। केजरीवाल क्यों कर रहे हो? जी इसलिए कर रहे हैं, हमें बहुत सुविधा है उससे। क्या सुविधा मिली? काफ़ी सुविधा है हमें, पानी की बिजली की, गरीब से या पेंशन से या किसी चीज़ से भी हमारे साथ चलता है वो बंदा। मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं? वो राम मंदिर तो बना तो जब बनेगा ही, वो तो भगवान का है, वो तो बनेगा ही बनेगा। उसको तो एक इशू बना रखा है कि राम मंदिर का इशू बना दिया। एक आम पब्लिक भी होनी चाहिए ना, एक आम पब्लिक किस चीज़ से परेशान है वो भी तो देखो ना। अच्छा आपके इलाके से विधायक कौन है? विधायक हमारा विशेष रवि है। अभी आते हैं इलाके में? इलाके में हर बार हम अभी फ़ोन करें अभी आ जाएंगे, अभी हाथों हाथ आ जाएंगे। काम भी करवाते हैं? काम भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं जी। क्या काम कराया? बिजली के बिल माफ़ कराए, आधे आधे बिल जिनके 200 से ऊपर आए, 250 से ऊपर आए, 500 से ऊपर आए, सब माफ़। 33 रुपये के बिल आए हैं। अंकल जी आपका नाम क्या है? नारायण दास है। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। चुनाव आता है वोट भी करते हैं? हाँ वोट भी करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? सब कोई होना चाहिए, सब कुछ सही। केजरीवाल 5 साल मुख्यमंत्री, कुछ काम किया दिल्ली में? फेल हो गए? कराए। क्या काम किया? बहुत वैसे सेवर वगैरह कह रहे हैं उनसे। संतुष्ट काम होते? हाँ।